Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare अरे चार गैलन खून निकाल दिया रे बाप रे बाप अरे लग रहा 15-20 टाका लगेगा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे अच्छा माँ प्रभु रक्षा माँ सर फाड़ दिया पापियों ने मंदिर बंद करवा रहे हैं प्रभु बाहर चलिए प्रभु बाहर चलिए अरे आप तो खून अरे प्रभु मार दिए हैं सब चलिए 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 जल्दी चलिए जल्दी मंदिर बंद करवा रहे हैं प्रभु बंद करवाने गुंडे आए प्रभु मंदिर बंद करो बंद करो बंद करो सारे मंदिर बंद करो बंद करो बंद करो सारे मंदिर बंद आज तुम लोग ही खैर नहीं धंधा बना रखा है बस फैसला हकर रहेगा देखिए आप लोग शांत हो जाइए शांति से ही हर समस्या का हल निकलता है अरे प्रभु जी आप दरवाजे से आइए ना अंदर आइए जी अब बताइए आप लोगों की क्या समस्या है समस्या ये समस्या है आपदा ऊपर से आप लोगों ने ये मंदिर बंद कर रखे हैं हम दर्शन नहीं कर सकते भगवान के आप लोग ठेकेदार भगवान की क्या आपके पास है कोई जवाब आप लोगों ने मंदिर क्यों बंद कर रखा है देखिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आप लोग शांत हो जाइए पहले कुछ जलपान कर लीजिए आप लोग विशंबर प्रभु चिन्मयानंद प्रभु जरा प्रभु जी के लिए कुछ प्रसाद और पानी वगैरह लेकर आइए हमको प्लास्टिक में तब क्या चांदी में दे सर तो हमारा फोड़ रखे हो तो हाँ बताइए डोनेशन तो चाप के ले लेते हो और अब मुसीबत आई तो दरवाजा बंद अरे आप लोगों से अच्छे तो हॉस्पिटल वाले हैं इतना दान दे दिया यहाँ इससे अच्छा तो हॉस्पिटल में दान दिया होता और सबसे बड़ी बात भगवान जी का दर्शन नहीं हो रहा है मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों की भगवान में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि ये मंदिर बंद करने का निर्णय हमारा नहीं है ये निर्णय सरकार का है और जो एक राजा निर्णय लेता है वो प्रजा को स्वीकार करना ही होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा बाधित हो मान लीजिए कि कोई संक्रमित व्यक्ति मंदिर में आया और वो बाहर जाकर ये कह दे कि जो उसे संक्रमण हुआ है वो मंदिर द्वारा हुआ है तो आप सोचिए सरकार द्वारा ये मंदिर हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा बाधित आप भी डर रहे हो बाहर के लोग भी डर रहे हैं तो आप भक्तों में बाहर के लोगों में क्या अंतर है भक्त कभी नहीं डरता वो हमेशा निडर होता है हाँ बाहर दृष्टि से ऐसा लग सकता है कि भक्त डरा हुआ है लेकिन असलियत में भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होता है लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मंदिर बंद हो जाए किसने कहा आपको पुरी में जगन्नाथ मंदिर हर वर्ष बंद होता है और वो भी पूरे 14 दिनों के लिए ये एक ऐसी घड़ी है कि भगवान आप सबकी परीक्षा ले रहे हैं दरअसल वो देखना चाहते हैं कि आप लोग उनके दर्शन किए बिना कितना दुखी हो रहे हैं और वास्तव में तो भगवान आप लोगों से ज़्यादा दुखी है क्योंकि भगवान तो खुद नहीं रह पाते अपने भक्तों के दर्शन किए बिना ये सब तो बस प्रभु की लीला है तो फिर डरते काहे हो कि मंदिर में संक्रमण फैल जाएगा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते मतलब जो आसुरी होते हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ना तो पवित्रता होती है ना उचित आचरण होता है और ना ही सत्य पाया जाता है तो ये डर नहीं है ये केवल सतर्कता है ताकि ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों से बचा जा सके और उन्हें कुछ अनुचित करने से रोका जा सके और हम एक भक्त होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं जो कि सरकार के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हैं और हमारा क्या हाँ हम ना तो लेक्चर सुन सकते हैं ना कीर्तन कर सकते हैं बस चाप के घर में सोते रहते हैं क्यों नहीं कर सकते मंदिर में अब भी हर रोज भगवान की सेवा होती है उनका श्रृंगार होता है उनकी आरती होती है भागवतम कक्षा होती है भगवद गीता कक्षा होती है कीर्तन होता है आप सब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है ना
हाँ तो आप लोग इस एंड्रॉयड फोन का बेस्ट यूज कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन में हर रोज लाइव दर्शन होते हैं। इस्कॉन के 700 मंदिर हैं पूरे विश्व में और कई हजारों इस्कॉन के प्रीचिंग सेंटर्स हैं। आपको पता है पूरे विश्व भर में हर आधे या एक घंटे में कहीं ना कहीं भागवतम कक्षा या भगवद गीता कक्षा हो रही होती है। तो अगर आप लोग चाहें तो लाइव पूरा दिन भी अगर देखें ना तो भी आप लोग सारी कक्षाएं नहीं देख सकते। तो ये एंड्रॉयड फोन का आप लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवद गीता कक्षा के लिए, भागवतम कक्षा के लिए, कीर्तन के लिए। अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं था। तो अब सोचिए पलटू प्रभु, क्या आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है? भगवान जो हम सबके परम पिता है, आप उनका घर बंद करवाना चाहते हैं, उनके मंदिर को आप लोग क्षति पहुंचाना चाहते हैं, क्या यही आप लोगों की श्रद्धा है? कचरा प्रभु आप बताइए, शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक क्या है? याद ही नहीं होगा। चिल ब्रो ये लो। आसिलस्य वा पादरताम पिनस्तुमा अदर्शना मर्माहता करोतु वा यथा तथा वा विद्धांतु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सायुम नापरा। इसका क्या अर्थ हुआ शौचम प्रभु? फंस गए, अब तुम्हें भी नहीं आता होगा, ये लो। बट मुझे आता है। आ रहा है यार। थोड़ा दो ना। प्राण प्राणनाथ। अरे तुमको तो पढ़ना भी नहीं आता, मुझे दो। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे ही सदैव बने रहेंगे। चाहे वे मेरा आलिंगन करे अथवा दर्शन देकर मुझे आहत करे, वे नटखट कुछ भी क्यों ना करे, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ है, समझे? चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे आहत करें, वे नटखट कुछ भी क्यों ना करें, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आपने तो कृष्ण से उनकी स्वतंत्रता ही छीन ली। आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए अमृत का हर रोज पान करते हैं और अब जब परीक्षा की घड़ी आई है और भगवान अपना दर्शन नहीं दे रहे तो आप लोग आहत हो गए, तो आपके भाव ही बदल गए। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो, नहीं नहीं कचरा प्रभु, शौचन प्रभु, पलटू प्रभु, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। प्रभु मैं ही इन लोगों को यहाँ पे लेके आया, मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूँ, क्षमा कर दो प्रभु। मुझे मेरे को क्षमा कर दो, मुझे इन लोगों से बड़ा अपराधी मैंने इन लोगों से बात किया था, मुझे मैं इनको समझा नहीं पाया क्योंकि मुझे मैं खुद नहीं समझ पाया था, मुझे मेरे को क्षमा कर दो, मुझे मेरे को क्षमा कर दो। नहीं चिन्मयानंद, तुम तो बहुत ही अच्छे भक्त हो चिन्मयानंद, मैं तो तुम्हारा उदाहरण सबको देता हूँ। नहीं बूजी मैं बहुत पापी हूँ बूजी, मैं बहुत अधम बूजी, मेरे मन में विचार ऐसा कैसे आ सकता है, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। नहीं चिन्मयानंद, नहीं चिन्मयानंद, इस भौतिक जगत में हम सबसे त्रुटियां होते हैं। बोलो मैंने बहुत गलती की, लोग माफ कर दो बूजी मैंने। कोई बात नहीं चिन्मयानंद, कोई बात नहीं चिन्मयानंद, चलिए अच्छा हुआ कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, आइए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। अरे प्रभु जी ये जो कचरा है ना, कचरा ये 100 रुपए डोनेशन देता है, और ये जो पलटू है ना प्रभु, पलटू ये 51 रुपए देता है डोनेशन। तूने कितना दिया था पिछले महीने? 21 रुपए ली। चिल ब्रो 21 नहीं 31। अरे हमको भी कोई पूछेगा, हमारा तो कपार ही फूट गया है। अरे कपार की लगी, कपार तो रिपेयर हो जाएगा। प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया प्रभु, मैंने 3 पत्थर मारे थे प्रभु, मुझे दंड दे दो प्रभु। हाँ पलटू प्रभु, दंड तो आपका बनता है, अब क्योंकि आप इतना मधुर गाते हैं तो आपका दंड ये है कि आपको सबको मधुराष्टकम सुनाना पड़ेगा। चलिए चिन्मयानंद प्रभु आप करताल और मृदंग लेकर आइए। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 बदनम। पीछे जाओ। क्या कर रहे हो आप वहां पे? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये बंदिर बंद बंदिर समस्या, ये समस्या है आपदा। अरे हंस दिए सर। मैं तो सॉरी सॉरी सॉरी। कचरा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं?
यार ये कचर क्या बज रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? गाना सुन रहे हैं, रोने के चक्कर में यहाँ से उधर की से सबको यार देखो मुझे पढ़ना आता था लेकिन लोगों ने मुझे पढ़ना नहीं दिया। मैं यहाँ छुप के वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी इसको पढ़ सकता हूँ। आसिलस से वहाँ पढ़ जाता हूँ पिनुष्टु माम मदर्सन आन मर महतम करो दुआ यथा तथा हुआ विदधात लंपटो मत प्राणनाथस तु सह एव ना पर। हरे कृष्णा, चलते अभी कोई आ जाएगा। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल के सब्सक्राइब कर देना और अब गौर आरती कर ले। चले।